सम्मानित व्यक्ति पर लगा भूमाफिया होने का फर्जी आरोप, पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। कानपुर के थाना जाजमऊ इलाके की रहने वाली महिला जूली इन दिनों एक सम्मानित व्यक्ति व चमड़ी के प्रतिष्ठित कारोबारी अलाउद्दीन पर भूमाफिया होने का दाग लगा रही है। उसका कहना है कि अलाउद्दीन उसकी जगह पर कब्जा किए हुए और वह हाथों में तख्ती लिए थाना जाजमऊ के बाहर खड़ी होकर अलाउद्दीन के ऊपर फर्जी आरोप का पुलिंदा फोड़ रही, जिसकी खबरें मीडिया में खूब चल रही। जब इस बात की जानकारी अलाउद्दीन को हुई तो अलाउद्दीन ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिलकर उनके ऊपर लगाए जा रहे फर्जी आरोपों की जांच करवाने व निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। वहीं अलाउद्दीन का कहना है कि जो खबरें जूली व इनके परिवार वालों के द्वारा मीडिया में उनके विरुद्ध चलवाई जा रही, इससे उनको आघात हुआ है। अलाउद्दीन का कहना है कि जिस जगह में ये रह रही वह जगह मेरी ही है, उसके पूरे कागजात मेरे नाम पर है। वहीं उन्होंने बताया कि एसडीएम साहब की जांच में यह बताया गया था कि जिस कुल भूमि 900 वर्ग गज है, जिसमें 700 वर्ग गज में अलाउद्दीन काबिज है और 200 वर्ग गज में जूली व उसके परिवार वालों का कब्जा है। वहीं अलाउद्दीन ने बताया कि यह मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार है। जूली व इसके परिवार के सदस्य नाजायज रुपयों की मांग कर रहे हैं, न देने पर पीड़ित अलाउद्दीन की छवि को धूल मिल करने की फिराक में लगे हैं। अलाउद्दीन ने बताया कि जूली के परिवार के कई सदस्यों पर रंगदारी, मारपीट, बलवा जैसी धाराओं में थाना चकेरी में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पीड़ित कारोबारी अलाउद्दीन ने अरसी उर्फ जूली, समीम जहां सलीम जावेद, मुकीम जावेद व फहीम जावेद के खिलाफ थाना जाजमऊ में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग भी की है। मेरी सफाई यह है कि वो महिला का आरोप सरासर झूठा और निराधार है। मैं अभी ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 145 है, मैंने अभी इसको मेरा मुकदमा मैं जीता हूँ, इसमें इसको निराधार दिखाया गया है। और दूसरी चीज़, मेरी पास सब इसके कागज़ है, रजिस्ट्री है, ये मैंने उनके लड़कों के ऊपर FIR करी थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने महिला के थ्रू मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हुए हैं। ये मुझसे रंगदारी मांगी जा रही थी 4 लाख रुपए की, उस पर ये FIR लिखाई गई थी। अब उनकी मांग है कि 15 लाख रुपए दो तो मैं कब्जा खाली करूँगी। ये FIR 2019 में कराई गई है, 20 में कराई गई है। पुलिस ने एक्शन लिया था, इन लोग आए मेरे पास हाथ पैर जोड़े कि अभी रहें दो, हम कब्जा खाली कर देंगे। अब उसके बाद इन लोगों ने फिर एक नया मीडिया के थ्रू एक सेसर बनाया है मेरे ऊपर, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि मैं जो है इलेक्शन ना लड़ सकूँ। मेरी छवि को धूलमिल किया जा रहा है, जिससे मेरे ऊपर बहुत टेस्ट होती है। पुलिस के पास मैं पुलिस कमिश्नर के पास मैंने इसकी शिकायत करी है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है मुझको। और इसमें अगर मैं गलत पाया जाऊं तो मेरे खिलाफ़ जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करी जाए, लेकिन मीडिया जो ये चला रही है, मेरी छवि को धूलमिल किया जा रहा है, उससे मुझे बहुत आघात पहुंचा है। और अगर ये मीडिया मेरा भी पक्ष रखती तो मुझे जो है ये होता है कि सच और झूठ का, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। RTI न्यूज़ के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।